अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबरें हैं, बहुत ही टॉप न्यूज़ हैं। सबसे पहले बात की जाए इन पे, डिटेल में फर्दर बात करती हूँ, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि इस वीडियो में मैं डिस्कस क्या करने लगी हूँ। सबसे पहले ये कि एक तो शायर अहमद फरहाद हैं, इनको उठा लिया गया है, कश्मीरी शायर हैं ये। इसके साथ साथ ये कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए और कहा है कि फ़ौरन वो अदालत के सामने पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरन केस दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कौमी असम्बली में मीडिया का दाखिला बंद कर दिया गया है। तफसीलात की जानिब बढ़ने से कबल मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल और पेजेस को सब्सक्राइब कर लें। होता ये है कि नाज़रीन, आप सबको मालूम है शायर फरहाद अली हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार भी नहीं कहा जा सकता, इनको अगवा कर लिया गया है मुबैना तौर पर। इस्लामाबाद शायर फरहाद अली शाह के मुबैना अगवा का मुकदमा भी दर्ज हुआ। रिमार्क सख्त किया गया अदालत की जानिब से, इनकी फिल 4 जो इनको रिकवर किया जाए, लेकिन ताहाल 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं, इनका कोई अता पता मालूम नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसे अशार कहे थे जिसकी वजह से इनको उठाया गया है, और ये चीज़ें जो हैं बड़ी आम होती जा रही हैं। आप सबको मालूम हो कि जब भी किसी बंदे को अगवा किया जाता है कि बगैर किसी वजह के प्रॉपर अरेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, बट एक मुबैना तौर पर जो अगवा होते हैं, इससे फिर जो चीज़ें हैं मुल्क की वो और ख़राब होती हैं, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा होता है। आज़ाद कश्मीर के ये सहाफ़ी और शायर हैं फरहाद अली शाह को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया, जिसका मुकदमा इस्लामाबाद के थाना लोही भीड़ में कर लिया गया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक शायर फरहाद अली शाह की जोजा सैदा और रूशी मुदैत में अगवा के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में फरहाद अली के अलिया ने मौकफ ये अख्तियार किया है कि मेरे खामत को नामालूम अफराद ने सुहान गार्डन से अगवा किया और बगैर वारंट हमारे घर में ये दाखिल भी हुए हैं। नामालूम अफराद ने हमारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े और DVR भी साथ ले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शायर अहमद फरहाद को हर सूरत बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन आप सबको मालूम है उस पर कोई तामील नहीं हो सकी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इसकी समाअत की थी बाजियाबी के हवाले से शायर अहमद फरियाद की। इस वक्त इसके हवाले से अपडेट है, मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं, हामिद मीर साहब, इमरान रियाज साहब, दीगर नामवर सहाफ़ी हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इनकी फिल 4 रिकवरी होनी चाहिए। अगली बात करते चलूँ तो इस वक्त फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी किए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने नोटिस जारी किया और कहा कि इतना ही तनकीद का शौक है तो फिर ये शौक पूरा करें और हमारे सामने आके हमारे मुंह पे तनकीद करें। ये पीछे बैठ के काम क्या आप करते हैं, मुंह पे आके तनकीद करें अगर आपने करनी भी है तो। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इन्होंने की, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। अब चीफ जस्टिस ने यह कहा कि क्या फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुझ तक मुकम्मल ऑडियो अभी तक नहीं पहुंची, कुछ हिस्सा खबरों में सुना है उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस ने आगे से कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तोहीन अदालत के जुमरे में आती है। उन्होंने आगे से सवाल किया अटॉर्नी जनरल से, कोई मुकदमा अगर अदालत में जेर इल्तवा हो तो इस पर राय दी जा सकती है, ये भी उन्होंने आगे से सवाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे कहीं ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई, लेकिन आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर दें। इन्होंने जजेस के हवाले से बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इस पे चीफ जस्टिस साहब ने शोकॉज नोटिस लिया। इनको कहा है कि आप फौरन आए, अदालत में आके पेश हों। मजीद उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को भी हिदायत जारी की है कि ये भी फौरन पेश हों। अगली बात की जाए स्पीकर कौमी असम्बली ने अदालत के अहाते में मीडिया की कवरेज बंद कर दी है, क्योंकि आप सबको मालूम है जिस तरह के ये इलेक्शन हुए हैं, फॉर्म 45 और 47 इस हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू होती है, तो कहा कि मीडिया सवाल पूछते हैं आने वाले अरकान से, तो मीडिया की कवरेज बंद कर दी गई। अब डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में कवरेज करने पर पाबंदी लगा दी गई है। सहाफ़ी कॉरिडोर के अंदर किसी रुकन से बात भी नहीं कर सकेंगे। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने सहाफ़ियों के गेट नंबर 1 पर खड़े होने पर भी पाबंदी आयद कर दी। सहाफ़ियों कॉरिडोर में किसी रुकन से बात भी नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पार्लियामेंट के अंदर व्लॉगर, यूट्यूबर और टिकटॉकर्स के दाखिले पर भी पाबंदी है। सहाफ़ी सिर्फ मीडिया सेंटर में किसी रुकन से गुफ्तगू कर सकेंगे। ये बड़ी एक अहम अपडेट थी। इसके साथ दुबई लीक्स का आपको सबको मालूम होगा, सबकी आई खुल के जरदारी साहब की, उनके बच्चों की, दीगर और लोगों की जायदादें जो थी दुबई में, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जायदादें हैं वहाँ पे। इस वक्त नैब ने उनके हवाले से भी अहम एक्शन ले लिया और इसकी तहकीकात का ऐलान किया है।
دبئی لیکس کی تحقیقات ایف آئی اے نیب سے کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. یہ ایک اہم پیش رفت ہے. آخر میں یہ کہ اس وقت کیس جو ہے عمران خان کے حوالے سے تہران کیس جو ہے یہ دوبارہ سے منظر عام پہ آ چکا ہے, اس کو سماعت کے لیے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کر دیا گیا. گزشتہ سال اس کی سماعت جو تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا تھا. تین رکنی بینچ بنا تھا جس میں جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے انہوں نے سائن نہیں کیا تھا اور اس کو پھر بھی پبلش کر دیا گیا تھا. لیکن پھر وہ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ کہیں نہ کہیں حد تک ججز کے ساتھ بھی اس کیس کا کہیں نہ کہیں لنک ہے, تو اس کا بھی جوڑا جاتا ہے. اب ڈان نیوز کے مطابق عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی کو چھپانے کا جو کیس ہے ایک سال بعد سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کر دیا گیا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں یہ جو بینچ ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے اور اس بینچ میں جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی شامل ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا تین رکنی لارجر بینچ 21 مئی کو کیس کی سماعت کرے گا. عمران خان پر یہ الزام تھا, آپ سب کو معلوم ہے, اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کیس جو ہے یہ اس وقت سماعت کے لیے مقرر ہے. دیکھیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے. سماعت ہے 21 مئی کو, آج 18 ہیں تو 2 سے 3 دن بعد اس کی سماعت ہے. تو یہ اب تک کی بڑی ایک اہم اپڈیٹ تھی, دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی چیز بڑی زیر گردش ہے, مریم نواز نے دوبارہ ایلیٹ پولیس کا جو یونیفارم پہنا ہے اس پہ بھی کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت کسانوں کا جو حال ہے بہت ہی خراب ہے, بجائے اس چیز کہ ان کو جا کے دیکھنا چاہیے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور کسانوں کے جو مسئلے مسائل ان کو حل کرنا چاہیے. آپ کے سوال اس سے کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. مزید اپڈیٹس کے لیے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں. اللہ حافظ.